ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। पत्रकार आशीष और उसके भाई को घर में घुसकर दबंगों ने गोली मार दी। दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। दोनों भाइयों के हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। वारदात से नाराज लोगों ने बीच सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। माधव नगर चौकी पर जाम लगा दिया। थोड़ी ही देर में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वारदात के बाद से ही पड़ोसी फरार है। पड़ोस में रहने वाले आरोपी का घर पुलिस ने सील कर दिया है। नमस्कार, मैं हूँ सिरोज हाशमी। यूपी के सहारनपुर में पत्रकार की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया गया। यही नहीं बल्कि भाई की भी हत्या कर दी। भाई बीच बचाव कर रहा था, उसी दौरान भाई की भी हत्या कर दी। हत्या करने वाले शराब की तस्करी करते हैं और पत्रकार शराब तस्करों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वारदात में पत्रकार आशीष के भाई आशुतोष की भी जान चली गई और उसके बाद माँ की चीख पुकार सुनकर हर कोई दहल उठा। मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने सोमवार को कहा, यूपी की भाजपा सरकार में कानून का नहीं बल्कि यहाँ गुंडों बदमाशों आदि का जंगल राज चल रहा है, जिसके कारण अब पूरे प्रदेश में हर प्रकार के अपराध चरम पर हैं और हत्याओं की तो बाढ़ सी आ गई है। लगती है हर कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है, जो अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस वक्त ये घटना घटा है, पूरे इलाके में सन्नाटा सा छा गया है। पत्रकार आशीष के घर सैकड़ों की तादाद में भीड़ लगी रही, वही पुलिस भीड़ को हटाया और उसके बाद पुलिस के जांच में पता चला पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पत्रकार आशीष के घर के निकट गाय के गोबर रखने को लेकर हुआ। विवाद के बाद पत्रकार आशीष और उनके भाई आशुतोष को महिपाल नामक व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। और इस घटना को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर निशाना साधे। उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में युवा पत्रकार आशीष शर्मा और उनके भाई की हत्या के बारे में सुनकर मैं दुखी हूं। परिवार के प्रति मेरा संवेदना है और इस पूरे मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। आरोपी के पिता और बेटे को पकड़ने के लिए और आरोपी के पुत्री और पत्नी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। घटना से पहले भी पत्रकार शराब की तस्करी को लेकर पुलिस में शिकायत किया था और अखबार में भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन हत्या जो किया गया वो ये है, गाय का गोबर रखने को लेकर पड़ोसी से कहा सुनी हुई और पड़ोसी पत्रकार उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच में जुटी है, आखिर हत्या का मुख्य और क्या कारण है और आरोपी की तलाश फिलहाल जारी है और आरोपी के घर सील कर दिया है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।